लेकर अब बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि अगर आपके पास वो तस्वीरें हैं तो जारी कीजिए, क्योंकि उनके पास भी कई सारी तस्वीरें हैं, वो भी जारी। अरे भाई छोड़ दे, ये पागल लोग बातें हो रही है। देवेंद्र फडणवीस तो आपको कह रहे हैं कि मानसिक रूप से आप। जी हाँ, मैं मानसिक रूप से हम लोग कमजोर है, क्योंकि हमारी मानसिकता है महाराष्ट्र की संस्कृति का रक्षा करना। हमारी मानसिकता है कि आप जैसे लोगों के साथ संघर्ष करना। हमारी मानसिकता है आप जैसे देश के लुटारों के साथ लड़ाई करना और देश को बचाना। ये हमारी विकृति है, समझ लो। हाँ, हम मानसिक दृष्टिया, हमारी ये विचारधारा है। देश में दंगे कराना, जात पात के आधार पर झगड़े लगाना, देश को लूटना, एक उद्योगपति को देश बेचना, ये हमारी मानसिकता नहीं है। जो आपने राजनीतिक विरोधी है उनके खिलाफ एजेंसी लगाना, उनके बच्चों के खिलाफ एजेंसी लगाना, ये विकृति आपकी है, हमारी नहीं है। अगर हम निकालने जाए ना तो देश छोड़कर चले जाएंगे, मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे ये लोग। लेकिन हमारे पास वो संस्कार है जो बाला साहब ठाकरे जी ने हमें दिया है कि घर तक मत जाइए। लेकिन उनकी मानसिक कमजोरी ऐसी है कि अपने राजनीतिक विरोधियों के बच्चे बीबी घर तक पहुंचते हैं और अपनी राजनीति करते हैं एजेंसी को। आपकी तस्वीर जारी करने का मकसद क्या था सर? फिर आप बताना क्या चाह रहे थे, दिखाना क्या चाह रहे थे, सवाल उस पे नहीं। ये भारतीय जुगाड़ पार्टी है, ये भारतीय जुगाड़ पार्टी है, गैम्बलिंग, ये गैम्बलिंग पार्टी है, भारतीय जुगाड़ पार्टी है। ये दुनिया को ज्ञान देते हैं, नैतिकता के पाठ पढ़ाते हैं हमको सबको। हाँ, विरोधी के घर में एजेंसीज भेजते हैं नैतिकता के आधार पर। आप जैसी भ्रष्ट पार्टी देश में नहीं है। आप यहां एक करते हैं, बाहर जाकर दूसरी बात करते हो। आप डराते हो, धमकाते हो एजेंसी के ताकत के ऊपर। हिम्मत है तो सामने आइए। सर, कार्तिकी एकादशी पर डिप्टी सीएम हमेशा हर साल जाते रहे हैं विट्ठल की पूजा के लिए, लेकिन इस बार मराठा समाज जिस तरीके से आक्रोशित है, उन्होंने ही चेतावनी दे दी है कि दोनों डिप्टी सीएम से कोई भी आएगा तो उसका वो विरोध करेंगे। तो पूजा जो एक पद्धति है, परंपरा है सर, वो जो है कटाई में पड़ती हुई दिख रही है, आप क्या कहें? ये मुख्य सरकार की कमजोरी है। अगर सरकार इस राज्य के जो प्रमुख भगवान है, कुलदेवत है, उनकी पूजा नहीं कर सकते तो उनकी ये कमजोरी है। बैठकर बात करनी चाहिए, जाना चाहिए, पूजा करनी चाहिए। आप हिंदुत्ववादी है ना, अपने आप को हिंदुत्ववादी मानते हो ना, तो आप हमारी राज्य की कुल देवता को, आप कार्तिक एकादशी को पूजा के बिना कैसे छोड़ सकते हो? सर, ये एनसीपी का जो इलेक्शन कमीशन में मामला चल रहा है, कल ये कहा गया कि फॉल्स डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं अजीत पवार ग्रुप की तरफ से, तो उनके ऊपर क्रिमिनल कंप्लेंट हो सकती है, लेकिन इलेक्शन कमीशन नहीं कर रहा। इलेक्शन कमीशन कुछ नहीं करेगा, ना इलेक्शन कमीशन करेगा, ना राज्यपाल करेगा, ना विधानसभा के स्पीकर करेगा। मैंने पहले भी कहा है, ये भारतीय जनता पार्टी के आज जो दिल्ली में सत्ताधारी बैठे हैं उनके तोते हैं सब। इलेक्शन कमीशन, राज्यपाल, सभी को एक स्वाभिमान की जो रीढ़ की हड्डी चाहिए वो नहीं है। जब मैं ये आज के इलेक्शन कमीशन को देखता हूं तो मुझे शेषन साहब की याद आती है। शेषन साहब ने जो एक रीढ़ की हड्डी दी थी इस इलेक्शन कमीशन को, वो अब नहीं है। तो ये तो जब ऊपर से आदेश आएगा उस आदेश के मुताबिक ये इलेक्शन कमीशन काम करेगा। शिवसेना के बारे में यही हुआ, अब एनसीपी के बारे में भी ये हो सकता है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।